सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में हम निको बेलिक मोड को इंस्टॉल करने वाले हैं और साथ के साथ ही उसकी वॉइस मोड को भी इंस्टॉल करेंगे और कुछ GTA 4 की कार्स को भी इंस्टॉल हम यहाँ पे करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको इसकी फाइल्स को डाउनलोड करना होगा, निको बेलिक की फाइल को, मोड्स को, और साथ में यहाँ पे इसके वॉइस पैक और वॉइस प्लेयर को भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। देन उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट्स को डाउनलोड करना है, मेन्यू स्क्रिप्ट हुक वी, स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट, इनहेंस नेटिव ट्रेनर, एंड लास्ट में गेम कॉन्फिग को यहाँ पे इंस्टॉल आपको कर लेना है। सही फाइल इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको निको बेलिक मोड को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन आईवी को ओपन करना है। ओपन आई वी ओपन हो जाने के बाद आपको एडिट मोड पे क्लिक करना है और यस क्लिक कर देना है और उसको यहाँ पे आपको साइड में रखना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने GTA 5 के मेन डायरेक्टरी फोल्डर में जाना है और वहाँ पर एक मोड नाम के फोल्डर को यहाँ पे क्रिएट करना है। देन उसके बाद जाना है अपडेट मल्टीप्लाई 64 DLC पे। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे निको बेलिक के जो मोड है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे आपको कर देना है। एंड देन उसके बाद आपको फिर से अपने GTA 5 के मेन डायरेक्टरी में जाना है और यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है स्क्रिप्ट्स के नाम से, स्क्रिप्ट। इस तरीके से आपको इसके फोल्डर यहाँ पे बना लेना है और कैपिटल S रख दीजिए। इस तरीके से आपको बना लेना है। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो इसके को ऐसे तरीके से खोल लेना है आपको यहाँ पे बना के। एंड देन उसके बाद आपको अपना निको बेलिक का वॉइस पैक यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इस तरीके से आपका लिखा आएगा, बट इसको इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे निको बेलिक के वॉइस प्लेयर को इंस्टॉल करना होगा। आपको इसको सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। वॉइस प्लेयर आपका जैसे इंस्टॉल हो जाए इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे निको बेलिक के जो मोड है वॉइस को यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। दैट्स इट, आपका निको बेलिक का जो वॉइस मोड है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। एंड देन उसके बाद आपको अपने ओपन आईवी को ओपन करना है और GTA 4 की कुछ कार्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो हमारे यहाँ पे GTA 4 की जो कुछ कार्स हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो गई हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। एंड लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने सारी जितनी भी स्क्रिप्ट फाइल्स हैं उनको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, जैसे कि स्क्रिप्ट हुक, स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट, मेन्यू, इनहेंस नेटिव ट्रेनर,
सारी फाइल इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली अपना ओपन आईवी को ओपन करना है। अपना गेम कॉन्फिग के फोल्डर को ओपन करना है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं तो आप कोई भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मोड डालने वाले हैं तो फॉर मोर मोड्स पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कम मोड यूज़ करते हैं तो लेस मोड पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू आपके वर्जन कौन सा है तो उस पर ही आपको यहाँ पर गेम कॉन्फिग उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल करना है। इसको चेक करने के लिए आपको G5 पे जाना है, उसके लोगो पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, डिटेल्स, और यहाँ पे जो आपका वर्जन है शो कर जाएगा। इस वर्जन को सेम एग्जैक्ट देख के आपको इंस्टॉल करना है। मेरा वर्ज़न 1.0.2545 है तो मैं उसे इंस्टॉल करूँगा। सॉरी, यहाँ पे हमको अपडेट मोड्स पे जाना है। मैंने गलत इंस्टॉल कर दिया। मोड्स, अपडेट, अपडेट RF, कॉमन, डेटा, हमें यहाँ पे जाना है और तब यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इधर सो हमारा यहाँ पे गेम कॉन्फिग भी इंस्टॉल हो चुका है और DLC लिस्ट को आप यहाँ पे ओपन करके देख लें कि आपका जो कार पैक है वो अच्छे से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। यहाँ पे हमारा कार पैक भी अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है GT4 का। देन उसके बाद आपको यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे आना है और इस तरीके से आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। इसको कॉपी करना है थोड़ा। यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे टाइप करना है NB। इस तरीके से आपको यहाँ पे फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है और देन उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और यहाँ पे आपको सब कुछ क्लोज कर देना है और अपने GT5 को यहाँ पे अब हमें ओपन करना है। मैं यहाँ पे जेन्युइन वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं जेन्युइन में ही इंस्टॉल किया। अगर आप क्रैक वर्जन यूज़ कर सकते हैं करना चाहते हैं या यूज़ करते हैं तो लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल करें। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा या यहाँ पे ऊपर पोल बटन पर आपको मैं उसका लिंक दे दूँगा। GT5 को यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। सो फाइनली हम अपने गेम के अंदर आ चुके हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अपना इनहेंस नेटिव ट्रेनर को ऑन करना है। प्रेस F4 को यहाँ पे दबाना है, F4 को, एंड देन आपको जाना है प्लेयर अपेरेंस, चेंज स्किन, एंटर नेम मैनुअली पे जाना है और वहाँ पर आपको सेम एग्जैक्ट ये टाइप करना है Player-Nico। सेम एग्जैक्ट आपको यही टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है।
आप देख सकते हो कि जो मेरा निको बेलिक हमारा मोड है वो इंस्टॉल अच्छी तरीके से यहाँ पे हो चुका है। और अगर आप इसका वॉइस जो है टेस्ट करना चाहते हैं तो ई को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मोड है अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब चलिए यहाँ पे हम इसके यहाँ पे GT4 के कुछ जो कार्स हमने इंस्टॉल करती हैं उनको यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि वो वर्क करती हैं कि नहीं। तो आपको सिंपली F8 दबाना है, मेन्यू खोलना है, व्हीकल ऑप्शन, व्हीकल स्वैपर एंड ये लास्ट में जाना है इनपुट मॉडल में और यहाँ डालना है ROM। तो आप यहाँ देख सकते हो जो जो रोमन की जो टैक्सी होती थी GT4 में वो सेम एग्जैक्ट यहाँ पे आ चुकी है। मैंने ये मोड को पहले से इंस्टॉल किया हुआ था तो दैट्स वाई आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों है। तो मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो उससे पहले मोड्स को टेस्ट करता हूँ, देन उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। अगर मोड टेस्ट ना करूँ, ऐसी वीडियो बनाने लग जाऊँ तो फिर बीच में कभी भी क्रैश मिल सकता है, तो उससे जो इंप्रेशन पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा गलत पड़ता है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता जिससे कि आपका जो इंप्रेशन है गलत पड़े। मैं पहले मोड्स को टेस्ट करता हूँ, इंट्रो वीडियो बनाता हूँ, देन उसके बाद ही यहाँ पे पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको बताता हूँ। अब चाहें तो यहाँ पे इसके ड्रेसअप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेव कर रखा है, ड्रेस वगैरह आउटफिट जो होते हैं इसके चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब मॉडिफाई जैसा करना चाहे अपना कर सकते हो। मॉडिफाई यहाँ पे आपको जाना है तरीके से, करंट स्किन, हेड वेड या कपड़े वगैरह जो भी चाहे आप यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को भी दबा लें ऐसे और सभी वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।